मौत आखिरी जमा की उम्र और अरसा हयात के मुतालिक मुख्तलिफ अहदीस व रवायात मिलती हैं। ये रवायात बादियो नजर में बाहम मुतजाद और एक दूसरे से मुतबाइन नजर आती हैं, लेकिन अगर इन अहदीस का बनजर गायब मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि ये रवायात हरगिज एक दूसरे से मुखालिफ नहीं, बल्कि मौत आखिरी जमा की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और जहतों को मद्देनजर रखकर ये पेशगोइयां की गई हैं। फिर जब इन रवायात में मजकूर उम्र के मुतालिक बयान की गई पेशगोइयों के मुताबिक हजरत बानिए सिलसिला अहमदिया की जिंदगी का मताला करते हैं तो हैरत अंगेज तौर पर ये रवायात हजरत बानिए सिलसिला अहमदिया की जिंदगी पर सादिक आती हैं। बवक्त दावा उम्र 40 वर्ष होगी। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरी औलाद में से इमाम आदि जाहिर होगा जिसकी उम्र 40 साल होगी, उसका चेहरा रोशन सितारे की तरह चमकता होगा। एक और हदीस में आया है, उनकी उम्र जहूर के वक्त 40 वर्ष होगी। इन रवायात के ऐन मुताबिक हजरत बानिए सिलसिला अहमदिया ने दावा फरमाया तो आपकी उम्र 40 वर्ष थी। आप बरोज जुम्मा 14 शवाल सन 1250 हिजरी में पैदा हुए, जिसका जिक्र करते हुए आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मेरी उम्र 40 वर्ष तक पहुंची तो खुदा ताला ने मुझे अपने इल्हाम से मुशर्रफ किया और ये अजीब इत्तेफाक हुआ कि मेरी उम्र के 40 वर्ष पूरे होने पर सदी का सर भी आ पहुंचा। तब खुदा ताला ने इल्हाम के जरिए मेरे पर जाहिर किया कि तू इस सदी का मुजद्दद और सलीबी फितनों का चारागर है। फिर एक और जगह आप फरमाते हैं, ये अजीब अम्र है और मैं इसको खुदा का एक निशान समझता हूँ कि ठीक 1290 हिजरी में खुदा ताला की तरफ से ये आजिज शर्फ़े मुकालमा व मुखातबा पा चुका था। इसी तरह अहदीस में हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की हकूमत यानी इमामत का जमाना भी बताया गया है, जैसा कि हदीस में है, इमाम आदि अपने क्याम के वक्त से 20 साल जिंदा रहेंगे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो यानी इमाम आदि 20 साल तक हकूमत करेगा। एक और हदीस में आया है, वो यानी इमाम आदि 19 साल और चंद महीने हकूमत करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने बैत लेने का आगाज 23 मार्च 1889 को फरमाया। इस तरह ता वफात आप अलैहिस्सलाम की उम्र 19 साल 2 माह 3 यौम बनती है। इस तरह ये अलामत हजरत अकदस के हक में 100% पूरी होती है। इसी तरह मसीह मौत की बाद अज नजूल उम्र के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। मसीह मौत को वही इल्हाम का शर्फ करीबन 40 साल रहेगा। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसीह मौत बाद अज नजूल 40 वर्ष तक रहेंगे, फिर वफात पा जाएंगे। एक रवायत में उम्र 45 साल बयान हुई है, एक और रवायत में उम्र 39 वर्ष बयान की गई है। साहिब इक्तराब सा लिखते हैं, उम्र उनकी 40 वर्ष होगी। एक रिवायत में है कि 30-40 के बीच होगी। जैसा कि आपने मुलायजा फरमाया, मसीह मौत की बाद जहूर उम्र के बारे में बज़ाहिर खासा इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन अगर हम अपने रोज़मर्रा महावरों पर गौर करें तो मालूम होगा कि बाज़ औक़ात कसर के बजाय पूरा अदद बयान कर दिया जाता है। जो करीब तर होता है वही बात यहाँ है। इसी का जिक्र करते हुए इक्तराबुल सा में लिखा है, दूसरी रिवायत में 45 वर्ष आए हैं।
सो मुद्दत कुछ कलील, मनाफी मुद्दत कसीर के नहीं है। इस तरह अहदीस की रूह से मसीह मौत की तमाम उम्र 70-80 साल के करीब होगी। हजरत बानिय सिलसिलाए अहमदिया की उम्र के बारे में जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सन 1290 हिजरी में 40 साल थी जब आपको वही इल्हाम का शर्फ हासिल होना शुरू हुआ था, और आप अलैहिस्सलाम की वफात 24 रबीउल सानी सन 1326 को हुई। इस लिहाज से इनकी तमाम उम्र तकरीबन 76 साल बनती है, और इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अजीम पेशगोई भी आप अलैहिस्सलाम के हक में पूरी हो जाती है। फिर ये बात भी काबिले जिक्र है कि बानिये सिलसिला अहमदिया को खुदा ताला ने बहुत पहले से ही उनकी उम्र के बारे में एक अंदाज़ा बता दिया था। खुदा ने मुझे वादा दिया है कि मैं 80 वर्ष या 2-3 वर्ष कम या ज़्यादा तेरी उम्र करूँगा। इसके अलावा एक और इल्हाम जो उनको अपनी उम्र के मुतालिक हुआ, 80 या उस पर 5-4 ज़्यादा या 5-4 कम। फिर एक जगह हजूर खुद फरमाते हैं, जो जाहिर अल्फाज वही के वादे के मुतल्लिक हैं वो तो 74 और 86 के अंदर अंदर उम्र की तयन करते हैं। चुनाचे इस पेशगोई के ऐन मुताबिक हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम 76 साल की उम्र में फौत हुए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर ये नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई झूठा कौल इल्हाम बनाकर हमारी तरफ मंसूब करता तो हम यकीनन उसको दाएं हाथ से पकड़ लेते और उसकी शैरक काट कर उसको हलाक कर देते। इस आयत से मालूम हुआ कि गोया अगर कोई झूठा इल्हाम बनाकर खुदा की तरफ मंसूब करे तो वो जल्द हलाक हो जाता है, और चूंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सदाकत की कसौटी में 23 साल दावाए वही इल्हाम के बाद जिंदा रहे, इसलिए कोई मुद्दई इल्हाम वही जो अपने दावे में सच्चा ना हो इतना अरसा जिंदा नहीं रह सकता जितना आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे। इस मेयार को तमाम मुसलमान तस्लीम करते हैं, हत्ता के बाइबल में भी आया है। खुदावंद यूं कहता है कि उन नबियों की बाबत जो मेरा नाम लेकर नबुवत करते हैं, जिन्हें मैंने नहीं भेजा, ये नबी तलवार और काल से हलाक किए जाएंगे। फिर एक और जगह आता है, और वो झूठा नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाएगा। अब हम बानिये सिलसिलाए अहमदिया हजरत मसीह मौऊद, जिन्हें करीबन 40 साल तक वही इल्हाम का शर्फ हासिल रहा और जिनकी तबई वफात हुई, का एक इक्तिबास आपके सामने पेश करते हैं। कोई ईमानदार खुदाए अज़्वा जल की निस्बत इन अफ़आल को मंसूब कर सकता है कि एक शख्स को वो दावाए इल्हाम के बाद 30-32 वर्ष की मोहलत दे और दिन ब दिन इसके सिलसिले को तरक्की बख्शे, और ऐसे वक्त में जबकि इसके साथ एक आदमी भी नहीं था, ये बिशारत उसको दी कि लाखों इंसान तेरे सिलसिले में दाखिल किए जाएंगे, खुदा तुझे तमाम दुनिया में शोहरत देगा और बड़े बड़े निशान तेरे लिए दिखलाएगा, और खुदा तुझे नहीं छोड़ेगा जब तक वो रुश्त और गुमराही में फ़र्क करना दिखलावे, और दुश्मन जोर लगाएंगे और तरह तरह के मकर और फरेब और मंसूबे इस्तेमाल करेंगे, मगर खुदा उन्हें नामुराद रखेगा। खुदा हर एक कदम में तेरे साथ होगा और हर एक मैदान में तुझे फतह देगा। लिहाजा इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का मानना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद ज़रूरी करार दिया है, जैसा कि फरमाया, जिसने मेहंदी को झुठलाया उसने कुफर किया।